आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिज्ञासा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है, भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है।